सो हाय गाइस, यार आज हम आ गए हैं फिर से आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। यार सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कल के मैच की, जो कि जो मैच में हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ। मुझे मैच देख के इतना मज़ा आया कि यार मेरा कल रात में ही वीडियो बनाने का मन कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि कल सुबह जैसे ही मैं कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा एक मिनट या दो मिनट का वीडियो मैं उसी में बना दूँगा। तो यार कल जो टीम इंडिया जीती है ना, दिल खुश हो गया भाई। जितने बंदे थे सभी ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस, अपना बेस्ट खेला सभी ने। विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, आपका भुवनेश्वर कुमार हो गया, साधु ठाकुर हो गया, जितने भी बॉलर्स हो गए, बैट्समैन हो गए, सभी ने अपना बेस्ट दिया अपना। ओके, तो यार काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैं एक इंडियन हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा ही लगेगा। ओके, तो यार मैं जो कहना चाहता हूँ यार यही कहना चाहता हूँ कि भाई अगर एक टीम है, चाहे वो इंग्लैंड हो, इंग्लैंड ने खेला अच्छा, मुझे पता काफ़ी अच्छा खेला, आपको भी पता काफ़ी अच्छा खेला उसने, लेकिन हार्ड लक ये हुआ इंग्लैंड की तरफ से, उनके विकेट्स रुके नहीं, उनके विकेट्स गिरते चले गए, इसलिए रिजल्ट ये निकला कि यार टीम इंडिया जीत गई, वो भी 36 रनों से। काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख करके, काफ़ी मज़ा आया मैच देखने में। ओके, तो बात कर लेते हैं भुवनेश्वर कुमार की। भाई मुझे जो लगा ना, उसने पहला विकेट किसका लिया, रॉय का। यार वो ऐसा प्लेयर ना कि अगर वो 15 ओवर या 10 ओवर खेल लेता तो इंग्लैंड का स्कोर मेरे हिसाब से जो 108 था 10 ओवर में, वो 140 के आसपास होता है ना। और भुवनेश्वर कुमार ने किसका विकेट लिया, आई थिंक जॉस बटलर का। जॉस बटलर आपको पता है काफ़ी हार्ड हिटिंग कर रहा था वो, अगर वो आउट ना होता 17-18 ओवर तक तो मैच काफ़ी अंदर ले कर चला जाता, आपको पता है ना। और बात कर लेते हैं शार्दुल ठाकुर की। ठाकुर जी तुम्हारे हैं ही ऐसे कि यार जब भी आते हैं लास्ट में वो एक दो विकेट लेकर चले जाते हैं, टीम इंडिया जीत जाती है। अरे मेरे भाई ऐसे लगे रहोगे ना तो वर्ल्ड कप हमारा होगा। चलो यार मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं बात करता हूँ इयान मॉर्गन की। भाई इयान मॉर्गन कैप्टनसी काफ़ी अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग नहीं हो पा रही है इस टाइम, कोई बात नहीं, बट इयान मॉर्गन कैप्टन इतना अच्छा है कि मैं उसका फ़ैन हो गया हूँ भाई। मतलब बंदा मैच हार भी जाता है ना, उसके फेस पे दिखता नहीं कि मैच हार गया है, दिखाता नहीं कि मैच हार गए हम। यार बहुत प्यारा प्लेयर लगता है मुझे इयान मॉर्गन, बहुत ही प्यारा। बैटिंग भी काफ़ी अच्छी करते हैं ये तो आपको पता है, लेकिन कैप्टनसी कहाँ पे क्या करवाना है, कैसे क्या करना है वो, भाई मैं उसकी कैप्टनसी देख के इतना खुश हुआ कल क्या, बाकी जो भी मैचेस हुए हैं सारे मैचेस में इतना इम्प्रेस हुआ कि भाई उसके लिए पर्सनली एक वीडियो बनाने का मन कर रहा था मेरा कि बना दो, लेकिन मैं इस टॉपिक पे वीडियोस नहीं बनाता हूँ इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो मैंने कहा कि आज मैं बात कर ही रहा हूँ इसके बारे में तो कर ही लेता हूँ इसके बारे में कि यार कैप्टनसी इयान मॉर्गन की बहुत अच्छी है। मैच नहीं जीते वो अलग बात है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है इस टाइम वो अलग बात है, लेकिन कैप्टनसी बहुत प्यारी है, बैट्समैन भी बहुत अच्छा है, ये आपको पता है। अब हम बात करते हैं अपने रोहित शर्मा जी की। भाई रोहित शर्मा जी यार क्या प्लेयर है भाई, मतलब बंदा जहाँ पे चलेगा उसे पता है कि यार अब अगर मैच हार गए ना तो मेरे पास कुछ बचेगा नहीं, अगर जीत गए तो सीरीज अपनी। यार बंदा वहाँ पे चला जहाँ पे उसे चलना चाहिए था। एक्चुअली में अगर कल रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं चलते तो आपको पता है कि क्या होता, आपको पता है क्या होता, ठीक है। तो जो शर्मा जी ने कल किया वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अपना जो उनका नेचुरल गेम है वो खेलने गए थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके, ठीक है। और हमारे विराट कोहली वाह, इनकी तो बातें लगे भाई, ओपन करने आ गए साहब कल, ओपन करने आए 80 मार दिए, आई थिंक 80 मार दिए, वाह बहुत प्यारा यार, ऐसे ही हमारे इंडियन प्लेयर। काफ़ी अच्छा लगा पूरा मैच दे करके हमें। गाइस आपको कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने कमेंट्स की, जिन्होंने कमेंट किया पूछा है कुछ उनके जवाब भी दे दे जल्दी से। आज संडे, आज प्रैक्टिस करने जाना मुझे भी, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ